बढ़ जाता है। हमने मतलब लिया हुआ है 17 क्विंटल तक हमने 773 नरमे का मतलब उत्पादन लिया है। मतलब गुलाबी सुंडी का तो नंबर ही नहीं पढ़ने दिया, कॉटन की फसल को तो वो व्हाइट फ्लाई खा गई, वायरस भी बन गया। और जैसे अपने सिंथेटिक पे जोर ज़्यादा दिया, हाँ जी ठीक है, और व्हाइट फ्लाई का टाइम था तो व्हाइट फ्लाई वो उससे ज़्यादा बढ़ती गई, किसान से कंट्रोल नहीं हुई और गुलाबी सुंडी आने के पहले ही वो फसल जो है मर गई। ज़्यादा पानी और ज़्यादा हरा नरमा और ज़्यादा कच्चा रखने की कोशिश में आप मतलब गुलाबी सुंडी काटे का अपने नरमे में बढ़ा भी सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप मैनेज करें तो मतलब इसके लिए इसके पत्ते हरे हैं और फूल का रंग अलग है। फूल का रंग वो पौधे का जो श्रृंगार है वो होता ही इसलिए है कि मेरे में कोई कीट आए और उसका पराग हो जाए। जितना सुंदर होगा उतना ज्यादा कीट आएंगे तो वो पराग हो जाए। तो सिस्टम है ये है, अपना कीट को अपना रहने नहीं देते तो वो पराग हो नहीं पाता, उस पर वो जो है टिंडे अपने बन पाते हैं कम। अब मैं तेले की बात कर रहा था, तेले की मैं खुद तेले से ज्यादा प्यार है आपका बेनिफिशियल नहीं, हमने तो रिजल्ट लिए हैं, हमारे किसानों ने आके बताया है भी मतलब ये फायदा करता है। वो हमने जो प्रैक्टिकल किया है, हमारे किसानों ने जो प्रैक्टिकल किया है वो है भाई नरमे की फसल में मतलब जितना ज़्यादा तेला होगा बढ़वार आपकी उतनी ज़्यादा हो। मेलन कराना चाहता है, एक घंटे का 2 घंटे का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या खर्चा लेते हैं आप? नहीं आप मैं खर्चे के नाम पे कुछ नहीं लेते आप जी, और बस दिन संडे का होना चाहिए, समय लेते हैं, बड़ी खुशी होती है मेरे को। मतलब आपने जो प्रश्न पूछा है मतलब दिल से मतलब ये बात नहीं, जब आप पहला डाल देते हैं हर जीव इस सृष्टि पे वंश वृद्धि के लिए मतलब ललायक है, वंश वृद्धि उसको चाहिए। जैसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, आप भी मतलब क्या कुछ नहीं करते अपनी वंश वृद्धि के लिए। बिल्कुल। पहला उसको पेस्टिसाइड अप्लाई होता है तो उसको लगता है अभी अब तो तेरी जो वंश है उसको खतरा हो गया है, ठीक है। तो इस कीट में एक ऐसी क्षमता है, ये अपना जीवन काल 17 से 21 दिन का सेट कर लेती है, कम कर लेती है, बिल्कुल ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा अंडे देती है। और उस दौरान ये बिना मैटिंग ये 300-300 अंडे मतलब दे देती है और अंडे 2 बारी देती है। ओके ठीक है, बिना मैटिंग, और बिना मैटिंग जो देती है डॉक्टर साहब ने मतलब ऐसा बताया भाई बिना मैटिंग जो देती है उसमें नर नहीं होता, सारी मादा ही मादा होती है। आप फिर खुराक बढ़ा देते हैं हफ्ते भर के लिए? हाँ, खुराक तो वो जैसे आपने पहले डिस्कस की दलाल गोल, वो तो कंटिन्यूस में चलता ही रहता है। हाँ मतलब वही, अगर प्लांट की वो खुराक चोरी करेगा तो उसको करने दो, आप खुराक बढ़ा दो, आप ऊपर से मतलब इसको खुराक होता है जिसके पास बढ़िया पानी है और नहर का पानी भी उसके ठीक है, ट्यूबवेल का भी बढ़िया है और मिट्टी अच्छी है। हाँ मिट्टी अच्छी है तो उसमें 10-12 क्विंटल उत्पादन पिछले साल भी आया है जी, लास्ट टाइम भी आया है। ओके, लास्ट टाइम तो बहुत से लोगों के नरमे वायरस ने खराब कर दिए। कीट के रहते हुए भी अपन नरमे का उत्पादन ले सकते हैं, अपने नरमे में जो कीट है जो मर्जी खाए जो मर्जी पिए उत्पादन अपना आ जाएगा। मतलब आपको गुलाबी सुंडी से डर नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं डरता, और किसान को डरना भी नहीं चाहिए, डरेगा। और लोग सोच रहे हैं कि धरना वगैरह लगाएंगे नरमा नहीं हुआ तो तो आप धरने नहीं लगाते? नहीं मैं धरने में समय नहीं लगाते, देखो टाइम ही नहीं मिलता जी। आप खेत में धरना लगाते हो? हाँ खेत में धरना, हम उसको रलाव बोलते हैं, रलाव आपको उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, रलाव का मतलब ये तो होना ही था। हाँ ठीक है, देखो किसान को फायदा तो होना ही है, ये तो प्राकृतिक काम है जी। किसान प्रभु नरमे के किसानों लिए यह अणमुली जानकारी वाली वीडियो आ ते आपां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के उत्ते पेंड पैंदा हैगा काशी का बास, उन्होंने पहला भी इंटरव्यू लैके पाए है, अज फिर एक लंबा इंटरव्यू कर लगे है। नरमे की फसल में पेस्टिसाइड फ्री मैनेजमेंट करके चंगा उत्पादन किमें लै सकते हैं? मेरे हाथ के डायरी है तो डायरी के 15 सवाल है, ये तुहाडे भी हो सकते हैं, तुहाडे 30 सवाल भी हो सकते हैं, तुसीं बाकी कमेंटा च पुछ लियो। तो 22 तो मैंने समा लिया है, अपने नाल मौजूद रहेंगे बानी राम बांबू जी जिहड़े किसान 2015 तो यह काम कर रहे हैं, ये इन्होंने मुड़का वहा लिया, अपना तजर्बा हंडा लिया, डर कढ लिया है, तुहाडा भी डर निकल जाना है। नरमे दे विच झाड़ ही लैना, रे भी पाउणे हो, स्प्रे भी करदे हो, डीजल भी फूकदे हो, साधन भी यूज़ करदे हैगे हो, मुड़का भी वहाउणे हैगे हो,
सारिया चीज़ों का ओवरऑल बचता किन्ना, झाड़ ते गल खड़ जाती है, क्वालिटी ते गल खड़ जाती है, सुंडगां दा डारा तेला चेपा होर बहुत कुछ चली जाता, सारे सवाल पुछांगे। तो इन्हां तो समां लिया ते तुहानू भी समां कढ के वीडियो देखनी पैंदी है, जे कोई काम हैगा तो नवेड लो 30-40 मिनट का समा कढ लो, तो वीडियो यह पूरी देख लो। सत श्री अकाल वीरे। सत श्री अकाल। आपां 50 दिन की फसल हो चुकी है जी। हाँ जी। पछेती अगेती फसल 70 दिन की हो चुकी है। इदू बाद लगभग पहली चोनी तो बाद नरमा बुढ़ेपे च चला जाता है। तो ये जो 80-90 दिन का सफर है, ये काफ़ी समस्यावान है। तेला चेपा जू गुलाबी सुंडी नरमा छांट मार जाना, पत्ते पीले पै जाने, डिग जाने, घट फुल गुड्डी लगनी या फुल गुड्डी लग के डिग जानी, बड़िया समस्यावान है, पहला तो ही चल रही है। मैं शुरुआत करूँगा कि बीमारी बाद च लगनी हैगी है, खुराक पहला देनी हैगी है, तो खुराक दे विच फार्मर की गलती करते हैं, स्प्रेहां दे रूप में खुराक किस तरीके नाल तुसी दिंदे हैगे हो, तुहाडे प्रबंध दे विच ये चीज़ां किवें शामिल होईयां, इन्हां नूं दस्सिओ। एक तो प्रगट सिंह जी किसान करदे की है कि DAP नूं मतलब हिंडाउंदे रहिंदे आ, मतलब वो क्या है कि DAP की जो खुराक है वो बिजाई के टाइम ही मतलब दे देनी चाहिए। हाँ। उसको क्या करते हैं, अब नरमा जैसे 50-60 दिन हो गया, अब तो वो शुरुआत कर रहे हैं DAP देने के, और DAP का जो सिस्टम निकल गया, करने का टाइम निकल गया, तो अब वो एक महीने बाद वो लगनी शुरू होएगी, फिर लगेगी, इतने में तो किसान का टाइम ही निकल जाता है। तो एक तो DAP अपने को मतलब जो भी आप फसल बीजें बिजाई के टाइम जितनी देनी है उतनी अपने को पूरी कर लेनी चाहिए, बाद में आपको नाइट्रोजन वगैरह जिंक वगैरह जी वो आपने बाद में मतलब इसकी पूर्ति करनी है। और स्प्रे के रूप में ऐसा है भी, हम जैसे इसको दलाल गोल बोलते हैं जी, तो जब जैसे अब नरमा अपने का 50-60 दिन का हो गया जी, तो 50-60 दिन बाद हम दलाल गोल शुरू कर देते हैं जी। तो उसकी मात्रा 100 लीटर पानी में रहती है 2.5 किलो DAP जी, 2.5 किलो यूरिया और 0.5 किलो 21% जिंक। ओके। 21% जिंक का ऐसे है जी, उसमें जिंक और सल्फर दोनों आ जाती है। ओके। तो हम जो लोग थोड़ा एग्रीकल्चर में जिंक को स्टडी करते हैं, तो हम जिंक सल्फेट को कभी DAP में डालने के लिए नहीं बोलते, हम जिंक फिल्टर की बात करते हैं। ये डॉक्टर दलाल जी का पेटेंट फार्मूला जी। ओके। इसमें कोई फसल का नुकसान इसमें नहीं, कोई फसल का कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं है। अब इसको करने का तरीका ये है भी, 2.5 किलो यूरिया जैसे किसान को लगता है अभी डोज इसकी ज्यादा हो गई यूरिया की, तो वो मतलब उसकी मात्रा को कम कर देता है जलने के डर से। इसमें अपन को करना ऐसे है भी, DAP को अपन ने पहले दिन घोल देना है। हाँ, एक दिन पहले घोल देना है। जैसे 2.5 किलो DAP आप 10 लीटर पानी में घोल देते हैं उसको, उसका पानी लेना है, नितरा हुआ पानी। हाँ। ओके। जो पानी नितर गया वो पानी आपा ने लेना है, छान के जितना आस के उसमें, और उस वो जो नीचे जो गाद बची है उसको नहीं लेना है, वो स्प्रे पंप में दिक्कत करती है। तो DAP को लेके और जिंक और यूरिया एट ए टाइम जिस टाइम आप स्प्रे करते हैं उस टाइम भी घुल जाती है। तो ऐसे और हल्के फुहारे से उसको स्प्रे करनी है। ध्यान ये रखना है कि पत्ते पे पानी नहीं रुकना चाहिए, डोज यही रहनी चाहिए। पूरा जब हम आप इसका रिजल्ट लेते हैं तो डोज क्या यूरिया इस डर से पत्ते जलने के डर से यूरिया को घटा देते हैं। कोई 100 लीटर में किलो डालता है देखने में आई है बात, कोई 1.5 किलो डालता है, इसको घटाने नहीं चाहिए। स्प्रे के टाइम अपन को ध्यान रखना चाहिए भी पत्ते पे पानी रुकना नहीं चाहिए आपका। पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, खाद की मात्रा को उतनी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी चल रही होती है, कई बार बारिश की कमी आती है, टेम्परेचर स्ट्रेस बनता है, स्प्रे कोई फार्मर दिन में करता है दोपहर में करता है, तो पानी उसमें जल्दी बाष्पीकरण हो जाता है और जो भी हमने घोल के दिया है वो पत्ते के ऊपर चल जाता है, वो कई बार जलन करता है, बर्निंग कर देता है। वो चलो कर सकता है, वैसे इसको 100 लीटर ही रखना है, 100 लीटर की डोज रखनी चाहिए पानी। अगर अपने को एकड़ में ज़्यादा जाता है ना, अगर पत्ते पर पानी नहीं रुके तो हमके नुकसान नहीं देखा है हमने, मतलब इसका नुकसान नहीं देखा अभी कहीं पे, मतलब ज़्यादा भी डल गई ना। हाँ। पत्ते पे पानी नहीं रुका, जैसे आपने ये 100 लीटर है जी। ये 6 कनाल में भी आ सकता है। ओके। और ये 9 कनाल में भी जा सकता है। हाँ, छोटे नरमे में ज़्यादा जाएगा। हाँ, छोटे नरमे में ज़्यादा जाएगा। तो एक्चुअल डोज ही अपने को सही मतलब रखना चाहिए। ओके। हाँ जी। तो इसका इसके ये इसमें 3 तत्व पूरे हो गए, 4 तत्व पूरे हो गए। हाँ जी। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। हाँ जी। और जिंक हो गया, सल्फर हो गया। हाँ जी। इसको कितने दिन के अंतराल पे कर सकते हैं? इसको हम 6, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने 6 जो अपने को स्प्रे का जो शेड्यूल है
वो दिया है। इसको मतलब 10 या 12 दिन के अंतर पर आप इसको कर सकते हैं। तो पहला जो 3 दलाल घोल का जो शेड्यूल है उसके साथ 2.5 किलो DAP और 2.5 किलो यूरिया और 1/2 किलो वो जो जिंक है वही रहेगा। ओके, 3 स्प्रे में। और जब अपने चौथी करनी है, चौथी स्प्रे अपन जैसे 40 दिन अपने निकल गए, 10-10 दिन के अंतराल पर करते हो 40 दिन निकल गए, तो चौथी जब अपने करनी है तो उसको DAP को अपने हटा लेना है, बंद कर देना है। उसके बाद 100 लीटर पानी में 1.5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट अपने उसमें मिलाना है। ओके, यूरिया और जिंक की मात्रा सेम रहेगी, वही रहेगी। पाँचवीं स्प्रे में मैग्नीशियम सल्फेट आ गया और पाँचवीं में आ गया जी। ठीक है, छठी स्प्रे अपन करनी है जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है MOP, उसको मैग्नीशियम को छोड़ देना है और उसको म्यूरेट ऑफ पोटास को 1 kg लेना है, 1 किलो। हाँ जी, ओके। और उसकी यूरिया की और जिंक की मात्रा सेम रहेगी। ओके, हाँ जी, ये 6 स्प्रे का शेड्यूल मतलब पूरा होता है। उसके दौरान किसान को ना तो यूरिया डालनी होती है, ना बाद में उसको कोई DAP डालनी होती है, ऊपर से उसको कोई छिड़क के देना कि किसी को मतलब फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं। ये जैसे अभी 50 दिन का नरमा है, अब शुरू करेंगे तो 10 दिन के अंतराल के ये 6 स्प्रे 110 दिन के नरमे के ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी, तो अगर किसी भाई ने नरमा पहले बिजाई किया हुआ एंड मार्च में, स्टार्टिंग अप्रैल में बिजाई किया हुआ है, तो उसका नरमा अभी 70 दिन का हो चुका है। हाँ जी, तो क्या इसके वो स्प्रे कम ज़्यादा कर सकता है? हाँ, कम ज़्यादा कर सकता है, मतलब इसका गैप बढ़ाया जा सकता है। जैसे अपन उसको इसको 60 दिन में नहीं, इसको अपन 70 दिन में भी कंप्लीट, इसको अपन 75 दिन भी लेके जा सकते हैं। ओके, मतलब एक एक दिन बढ़ा के अपन, क्यों अपन 10 दिन से कोई जरूरी नहीं है। जो मैंने देखा है फार्मर का, जो मैंने देखा है फार्मर क्लास में हर तरह का फार्मर बैठा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले भी और मेहनत से जी चुराने वाले भी फार्मर भी बैठे हुए हैं जी। वो क्या करते हैं कि जब फ्लावर चल रहे होते हैं तब वो तेले मार स्प्रे में ध्यान देते हैं, वो खुराक वाली स्प्रे ना तो उसके आने से पहले करते हैं, ना वो फूल के समय करते हैं जी। खुराक की स्प्रे वो तब करते हैं जब नरमा मरना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो जब नरमा मरना शुरू हो जाता है उसके पौधे के जो पत्ते हैं वो वैसे लगभग ऊपर से आप कुछ भी दो खुराक रिकवरी नहीं होती, बंद कर देते हैं। हाँ, वो खुराक हो जाता है। हाँ, जो भी किसान देता है उसका पैसा लग जाता है पर खुराक लेता नहीं है वो जी, पौधा नहीं ग्रहण कर पाता उसको जी। ये खुराक के बारे में हमने हो गया। हाँ जी, अब हम करेंगे कि अब हम जो 50 दिन का नरमा है इसमें कोई नया प्लांट तो लगा नहीं सकते। नहीं, अगर पहले हमारा 1 बीघे में 1.5 पैकेट गया है या 1 किले में हमारे 2-2.5 पैकेट गए हैं जी, तो इसको विरला करना चाहिए, क्या स्पेस में करना चाहिए, क्या फ़ायदा रहेगा? देखो, नरमे को जो है हर फसल ना अपना एक स्पेस मांगती है, कोई भी फसल है। नरमे को ये मान के चलो कि 10 अगस्त तक अपना मतलब पत्ता है नरमे का, वो दूसरे पत्ते से टच नहीं करना चाहिए। ऐसा है, ये सिस्टम है। जितना आपकी, अब देखो एक कोई ज़मीन है फिर तो 3 फुट वाला भी ज़्यादा नज़दीक होगा, फिर तो 4-5 फुट पे भी। मैं आपको एक प्लाट आज दिखा के लेके आऊँगा, एक प्लाट में उसमें आप वो मैं दिखाऊँगा, वो 4.5 फुट पे लगाया हुआ है, बेड पे लगाया हुआ है। तो वीगो में एक पैकेट गया होगा। और हाँ, 1 पैकेट गया है 1 एकड़ में। और किसान को अभी वो खतरा है कि ये ज़्यादा बढ़ेगा तो इसको मतलब करना क्या चाहिए। उसका परसों ही फ़ोन आया था भी, मैं अब इसका क्या करूँ। हाँ, फार्मर डरते हैं कि बारिश वगैरह से वो गिर वगैरह गिर जाएगा या मतलब भाई ज़्यादा बढ़ रहा है अभी वो फार्मर, ज़्यादा बढ़ने के कारण परेशान है। 4.5 फुट पे उसने बिजाई कर दी फिर भी कह रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है, तब मैं इसका क्या करूँ। तो मैं 2 दिन से उस प्लाट में जा नहीं पाया। ओके, तो वो आज मिलेगा मौका अपने उस प्लाट में। नहीं, अभी जो फार्मर के नॉर्मली 3 पाड़े का नरमा 4 पाड़े का नरमा चल रहा है। हाँ जी, तो विरला करने का फ़ायदा क्या है, कितनी स्पेस में विरला किया जाए कि रेतली ज़मीन है, मध्यम ज़मीन है, हैवी ज़मीन है, उसमें क्या ऐसे प्रूनिंग किया जाए, प्लांट को निकाल के उखाड़ दिया जाए? अपने किसान को ना अपनी ज़मीन का जायज़ा होता है। हाँ देखो, मतलब हर एक जगह ज़मीन पानी और वो एक सा नहीं होता, किसी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। वो अपने हिसाब से अगर कम है उपजाऊ शक्ति तो
तो कम से कम वो ढाई ढाई तो करे, ढाई बाई ढाई पे तो वो मतलब करे। जिसकी उपजाऊ शक्ति ज़्यादा है वो साढ़े तीन पे भी जा सकता है, और लाइन टू लाइन 5 फुट भी जा सकता है, 6 फुट भी जा सकता है, 7 फुट भी जा सकता है। 7 फुट तक तो मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, 7 फुट तक, और 18 क्विंटल नरमे का उत्पादन उसमें 7 फुट आया हुआ है। ओके, 3000 पौधों में मतलब 18 क्विंटल नरमा निकला हुआ है। मतलब मेरा प्लांट में कितना हो गया फिर? एक प्लांट में वो आप कैलकुलेशन कर लो, एक 600 ग्राम, हाँ जी 600 ग्राम हो गया एक प्लांट का, 3000 में। 3000 तो अगर फार्मर 1.5 पैकेट 1 बीघे में डाल रहा है तो 8000 प्लांट है, तो उसका 4 क्विंटल नरमा नहीं आता, इसका मतलब एक पौधे से 50 ग्राम नरमा भी नहीं आ रहा है। नरमा मतलब उसको नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है। 50 ग्राम नरमा जस्ट इतना होता है। हाँ, इतना तो इतना नरमा नहीं आ रहा है, वो 5 किलो छट्टी का बूटा बन रहा है। 50 ग्राम नरमा 10 टिंडे का आ रहा है, मतलब इसको आ रहा है 10। वजन अगर आप कम करें तो 11 का ही आ रहा है, मतलब इसकी एवरेज औसत है वो 10 की पड़ती है। और मैंने एक प्लांट से 1.5 किलो नरमा अलग से मतलब मेरी उसकी तुलाई की हुई है, 1.5 किलो नरमा। ओके, जब अपने ये 2009-10 की बात है जी। नहीं फिर हम जो मैं देखता हूँ फार्मर के खेतों में एक एक प्लांट पे लगभग 50 से लेके 100 टिंडा लग जाता है, तो अगर उसमें से 50 ग्राम नरमा नहीं आ रहा है तो आधा ग्राम नरमा भी नहीं आ रहा है एक टिंडे। नहीं, टिंडे इतने मतलब 50-100 ऐसा नहीं होता, 50-100 टिंडे मतलब उसके लग ही नहीं रहे, वो कोई बाहर के प्लाट में लग रहे होंगे। हाँ। अगर अपन देखते हैं बाहर से, हाँ। तो उसके प्लाट में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा जो सघना नरमा है उसके नीचे फ्रूट सेट नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर उसका वेट बहुत कम होता है। हाँ, कम होता है, वेट कम होता है। हमने जो 5 ग्राम शुरू के जो है नरमे के जो बूढ़े, उसमें हमने 5 ग्राम वजन कैलकुलेट किया हुआ है, कई जगह 6 ग्राम का। आपने रूं का किया है? खिले हुए नरमे का, खिले हुए नरमे का। और टिंडे का वजन तो इससे भी ज्यादा होगा। टिंडे का वजन हमने नहीं कैलकुलेट करने का, अपने को फायदा नहीं होता। हाँ। टिंडा हरा होता है उस टाइम, तो टिंडे का वजन नहीं कैलकुलेट करते अपन जी। तो 6 ग्राम तक हमने मतलब किया हुआ है बगैर पेस्टिसाइड किए हुए। ओके, हाँ जी, हमने एक कंपैरिजन हमने किया था। वैसे तो हर साल करते रहते हैं जी, जैसे एक प्लाट पेस्टिसाइड वाला हो गया, एक प्लाट बिना पेस्टिसाइड वाला, तो बिना पेस्टिसाइड वाले हमें वैसे लेते हैं भी, ये पहली टहनी है और इसका दूसरा टिंडा है, तो उसकी भी पहली टहनी का दूसरा टिंडा ले लिया, जैसे मतलब एक सेम कैलकुलेट करके। हमने 1 ग्राम वजन का उसमें अंतर देखा है, जो पेस्टिसाइड वाला था उसमें 1 ग्राम वजन कम था जी। हमने प्लांट को विरला करने के ऊपर बातचीत कर ली। हाँ जी, अगर कोई प्लांट ज़्यादा हाइट कर रहा है तो प्लांट की हाइट रोकने के लिए भी आजकल स्प्रे आ चुके हैं मार्केट में। फार्मर क्या करता है कि आपके थोड़ा पसीना बहाना उसने कम कर दिया है, वो हर काम स्प्रे से करना चाहता है, क्या इसकी कोई ऊपर से कटाई हो सकती है, फ़ायदा है उसका? मैंने भी इसके बारे में बुक में जिक्र किया है कि कब करना चाहिए, आपको क्या लगता है इसके फ़ायदे हैं? प्रूनिंग का ऐसे है जी, वो फसल की उम्र पे डिपेंड करता है, जैसे नरमे की फसल है, ये लंबी फसल है थोड़ी, तो उसको 1.5 महीने तक आप प्रूनिंग कर सकते हैं, उसके बाद में करने का अपने को नहीं। 1.5 महीने की फसल अगर ऐसी मिट्टी में लगी हुई है जहाँ नहरी पानी नहीं लगता और वो 1.5 फुट पे है, 1.5 महीने उसकी प्रूनिंग करनी नहीं चाहिए, उसकी करनी नहीं चाहिए। हाँ, ये आप मतलब नोट कर लीजिए, ये पंगा लेना ही नहीं चाहिए प्रूनिंग वाला, तो अपना ऐसे बडवार जहाँ ज्यादा कर रही है, जहाँ नरमा आपको नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विरला भी कर लीजिए। अगर वो 4-5 फुट तक चला गया है दूसरे जो उसके साथ में बिजाई की है फसलें, तो उसको आप ऊपर से 2 इंच तक उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिरला नहीं कर सकते तो प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल जी। एक मैं इसमें आपको और रोकूंगा, जैसे डॉक्टर सुरिंदर दलाल जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि उन्होंने फार्मर के लिए इतना पसीना बहाया, इतना ज्ञान इकट्ठा किया फार्मर में, आप उसको आगे लेके जा रहे हैं जी। तो उसी तरीके से दादा लाल ने भी काम किया है इसके ऊपर, तो क्या हमको वो टेक्निक अभी आज के दिन में खेत में लागू करके कोई बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में? इसके बारे में हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है जी। जी, हम उसका पहले प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है उसके बाद किसानों में बताएंगे भी उसको मतलब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा चल रहा है प्रैक्टिकल उसमें। ठीक है, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। अब हम इसके मेन, जो हमारी इस इंटरव्यू का मेन पोर्शन है, कि नरमे के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है चिट्टा तेला जी, चिट्टी मक्खी, हरा तेला, भूरी जूं और गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी अब और भी 2-4 आ सकते हैं नए वाले। बिल्कुल, तो आप डरते हैं इनसे?
नहीं डरते, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? ये 60 दिन का समय है जब नरमे के ऊपर जवानी चढ़ती है और बुढ़ापा होने से पहले फार्मर हर तरह की पेस्टिसाइड यूज कर लेता है, प्लांट को डेकोरेट भी कर लेता है, प्लांट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं बचता, खुद भी नहीं बचता। नहीं नहीं सही है जी, बिल्कुल। क्या सही क्या है। ये सिस्टम क्या है, उत्पादन में ये कीट बढ़वार देते हैं या कमी करते हैं? सिस्टम ऐसा है जी, मतलब पहले तो ये कीट आते क्यों है? मतलब यही शुरू करूंगा कि यहाँ पे इतने पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ इन पे वो कीट नहीं आते जो कॉटन पे आते हैं। तो ये उसको मना नहीं कर रहे, वो इसको बुला नहीं रहे। क्या कारण है? हर एक कीट का अपना एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है। वो उसी टेस्ट को, जैसे ये जो अपने पहले जो 90 के दशक में और 2000 के दशक में अमेरिकन सुंडी अपने रही जी, तो ये क्या ये चने की सुंडी थी ये, ठीक है, और उसको नरमे का टेस्ट अमेरिकन जो बॉल वॉर्म है ये कॉमन पेस्ट है, काफ़ी क्रॉप्स के ऊपर जाता है। हाँ, काफ़ी क्रॉप्स के ऊपर जाता है जी। पर ये मेनली क्या है, चने की सुंडी थी पहले, ठीक है। फिर उसको नरमे का जो टेस्ट मतलब पसंद आ गया, हाँ, तो इसने बड़े लेवल पे हमला, मतलब हाँ बड़े लेवल पे हमला किया। ये आते क्यों है फसल में? जैसे मान लीजिए अपन ने जब बिजाई की थी, नरमे का पता तो उसी टाइम हरा ही था, तो मतलब ये कीट आए, जो कीट है तो उनको खा जाना चाहिए था, ये है कि नहीं सही? हाँ, इसको मानते हैं आप? तो ये है भाई, इन दिनों में किसान का जो फोक्स है जून के 15 जून के बाद किसान का ये फोक्स हो जाता है, चाहे उसने बिजाई मार्च में की हो, चाहे उसमें अप्रैल में की हो, चाहे वो मई में बिजाई क्यों ना की हो, तो उसका फोक्स आ जाता है। अभी अब नरमे का जो फल का टाइम, अगर नरमा अपना बढ़वार कम ले रहा है तो वो क्या काम करता है, उसमें खाद की भी बिजाई करता है, उसमें ऊपर से यूरिया भी डालता है, दूसरे माइक्रो न्यूट्रेंट भी आजकल मतलब सोतरे का, मतलब ग्रोथ करवाने के लिए हर काम करता है, वो हर काम करता है जी। तो पौधे के पास खुराक उस टाइम ज़्यादा हो जाती है, और पौधा एक सिग्नल छोड़ता है इसी टाइम, पत्ते के पीछे एक वो गोंद टाइप मीठा रस छोड़ता है, जिसको आम किसान तो मतलब जो उसके पजामे या पैंट के लग गया नरमे में चलते, तो वो देख लेते हैं अपने नरमे में बीमारी आ गई और ले आके मतलब पेस्टिसाइड ठोक देता है, वो कीट वगैरह नहीं देखता है, ठीक है। उसको काफी किसानों से मैं मिला हूँ, उसको मतलब वो चेपा कहते हैं, नरमे में चेपा आ गया जी। पत्ते में कहाँ होता है, नीचे ऊपर? ये नीचे होता है जी, नीचे जो मेन उसकी वो होती है, वाइन होती है, उसके बीच में होता है, ठीक है। सुबह सुबह आप जाएंगे उस टाइम, हर पत्ते को, जिस पत्ते को भी आप पलटेंगे, वो उस पत्ते के नीचे वो मिलेगा, आप उसको जैसे भी चखोगे तो बहुत मतलब वो टेस्टी इतना होता है, पूछो बहुत टेस्टी होता है। ओके, तो जब खुराक उसमें बढ़ गई तो वो सिग्नल छोड़ता है भी, अब मेरे में खुराक ज़्यादा हो गई, तो वो सिग्नल की सुगंध लेके और जो भी रस चूसक कीट है, जो उनकी मादा है, उसको वो स्मेल आती है और वो उसके नज़दीक बिल्कुल वो अपने अंडे छोड़ देती है। कीट आएगा मौसम के हिसाब से, बिल्कुल। मौसम कैसा है, अगर मौसम खुशक चल रहा है तो जू आएगी, बिल्कुल खुशक, तो जू आएगी, थ्रिप्स आएगी। तो मतलब ऐसा है भाई, उसका भी एक कारण है, जू का भी। उस टाइम क्या होता है, गर्मी होती है ज़्यादा, बरसात आने रही, हवा में भी नमी कम है, तो पत्ते का जो है वाष्पीकरण उस टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। वो थ्रिप्स आ गई, थ्रिप्स क्या करेगी जू, वो क्या करेगी जू का मतलब ऊपर का एक ही जबड़ा होता है, हाँ बिल्कुल, नीचे का नहीं होता। तो जैसे ही उन अंडों में, जैसे वो जू के वो निकलेंगे बच्चे, उसमें वो कीट निकलेंगे, तो कीट निकलते ही और वो अपना उसको पत्ते को खुरचना शुरू कर देंगे, तो नीचे एक सिल्वर कलर का लेप आ जाएगा। ये सभी किसानों का अनुभव है, उसको देखते भी है, वाइट कलर का, हाँ, तो वो एक लेप आ जाता है, लेप आके और पत्ता पहले तो ऐसे होता है, फिर ऐसे खड़ा हो जाता है वो पत्ता। देखिए, अब पौधा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर आप इसको समझते नहीं। जैसे अब ऐसे पत्ते पे धूप ज्यादा पड़ेगी कि ऐसे पत्ते पे धूप ज्यादा पड़ेगी? ऐसे भी ज्यादा पड़ेगी। हाँ, हाँ, पूरा दिन पड़ती रहेगी। हाँ, ये पौधा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर आप क्या है, अज्ञानता में क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, स्प्रे कर देते, ठीक है। मारने के बाद वो पत्ता ऐसे हो जाता है, तो उसका वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है। ये
थ्रिप्स आएगी। जैसे अब जैसा मौसम चल रहा है बरसात का, अगर आपने एक दो बरसात आ गई और पूरी नमी है तो तेल आएगा, तो चिट्टा तेला बढ़ेगा, नहीं हरा तेला बढ़ेगा, हरा भी बढ़ेगा, हाँ जी हरा बढ़ेगा। बरसात जब आ गई है तब अगर एक दो बरसात कंटिन्यू एक हफ्ते में, सिल्ला गिल्ला मौसम रहता है, सिल्ला गिल्ला मौसम रहता है, हाँ जी वो उसमें जो वही वो जो है ना वो पत्ते के नीचे जो गोंद सा उसके नजदीक ही वो तेला रखेगा, वो भी इसको कहने का मतलब है एक साथ एक ही कीट कॉटन की फसल में हावी होगा, मतलब एक साथ तीनों चारों कीट नहीं हावी हो। हाँ ये बात, उनका सबका अलग 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 एक मौसम होता है, मौसम समय है वो, ठीक है उसी तरीके से। हाँ हाँ तो वो तेला आएगा, तो तेला आएगा तो तेले ने भी यही नरमे के पत्ते का रस चूस के उसको रिलीफ देनी होती है। हाँ हाँ यही काम तेले का है। अगर हम रस ही ना बढ़ने दें इतना ज्यादा, कितना जितना हम जो प्लांट ने पैदा करना, ठीक है हाँ जी, तो प्लांट रस बढ़ाएगा पानी की वजह से और खुराक की वजह से, जो हमने ज्यादा यूरिया डालते हैं या कुछ और डालते हैं, तो वो हम अगर थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो ये भी कम आएंगे। देखो ऐसा होता है, पहले अपने बरसात की कमी रही होती है, अब इस टाइम बरसात आ गई तो भी पौधा अपना रस तो बढ़ाई जाएगा बिल्कुल, ऊपर से फार्मर बिजाई कर देते हैं, काफी कुछ छिट्टा मार देते हैं। हाँ तो वो भी अपने अपने बस में नहीं है, अभी आप पौधे की खुराक ना बढ़ाएं। हाँ। पौधा अपने आप खुराक बढ़ा लेगा, जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भी उसको पत्ते ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो ये है ठीक है। तो तेला है जी, तो वो तेला भी मतलब रस उसके उसको रिलीफ देनी होती है। हाँ जी, तो तेले ने वो काम कर दिया। तेला मतलब अपना कह सकते हैं भी इतना मतलब एक कारगर कीट है, अगर उसको अपा मारे ना तो नरमे का अपा उत्पादन मतलब 1.5 से 2 क्विंटल अपने एकड़ में बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये उल्ट चल रहा है, ये उल्ट चल रहा है, हमारे फार्मर ये बोलते हैं कि अगर तेला ज्यादा आ गया तो उत्पादन कम होगा, आप बोल रहे हैं कि ज्यादा आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा। हाँ इसके मैं आपको तेले के 2-3 फायदे बताता हूँ। तेले का ये जो मेन फायदा ये है, ये अपने आप में एक ग्रोथ रेगुलेटर है। तेला जिस फसल में आ जाएगा उस फसल की बढ़वार नहीं, एक बात समझने वाली है जी। हमारा मेन फ्रूट कॉटन का टिंडा है, तो तेला टिंडे का कुछ बोलता नहीं, बिल्कुल टिंडे को टारगेट करती है सुंडी, 2-4 सुंडियां करती हाँ जी। और तेला करता है पत्ते को खराब जी, वो भी सभी पत्ते के पत्ते को नहीं करता है, वो सेंटर वाले पत्ते या ऊपर वाले पत्ते को ज्यादा करता है। तो हम तेला मारने में ही समय पूरा कर देते हैं और टंडे हमारे फिर भी नहीं बन पाते। हाँ जी, तो ये मतलब एक दूसरा कारण ये भी है, जब आप कीट को मारते हैं, देखो एक नरमे का जाना, नरमे का जो ये पराग सिस्टम होता है उसका, फूल का, फूल का परागण, हाँ फूल का परागण जो होता है वो कोई कोई फसल होती है हवा सी मतलब उसका हो जाता है, हड़का होता है। नरमे का जो पराग है वो होता है भारी, हाँ, और उसकी जो इस तरीके से वो जो ऊपर नली बनी होती है फूल की, हाँ वो थोड़ी ऊंची होती है, पॉलन ट्यूब, तो किसी कीट के बगैर वो उसका पराग नहीं हो पाता। हाँ और अपन कीट अपन नरमे में रहने नहीं देते, हाँ तो उसका फिर होएगा कैसे, हाँ उसमें मक्खियां जाएंगी, बग्स जाएंगी, तेला जाएगा सारा कुछ वो जाएगा, तभी तो मतलब हर जो फसल है उसका फूल का रंग अलग होता है। जैसे ये पौधा है अपने जी, इसके फूल का रंग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल इसके पत्ते हरे हैं और फूल का रंग अलग जी। फूल का रंग वो पौधे का जो श्रृंगार है वो होता ही इसलिए है कि मेरे में कोई कीट आए और उसका पराग हो जाए, जितना सुंदर होगा उतना ज्यादा कीट आएंगे तो वो पराग हो जाए, तो सिस्टम है ये है। अपन कीट को अपन रहने नहीं देते तो वो पराग हो नहीं पाता, उस पर वो जो है टिंडे अपने बन पाते हैं कम। अब मैं तेले की बात कर रहा था, तेले की मैं खुद तेले से ज्यादा प्यार आपका बेनिफिशियल नहीं, हमने तो रिजल्ट लिए हैं, हमारे किसानों ने आके बताया है भी मतलब ये फायदा करता है वो जी। किसान भरावो मैं भी दस कनाला बाण छड़ रखा हैगा इस दे विच, ते पिछले 2 साल तो प्रयत्न कर रहे हैगे आ कि सारा खेत ही इस तरीके नाल लेके आईए, मैं भी डर कढ लूँगा, तुसीं भी थोड़ी जगह ते करके देख लियो, 22 वर्गे ने 5-7 सालों तो कढ रहे हैगे आ, ते विचार कई बार नहीं सहमति होंदी हैगी, तुहाडी सहमति नहीं होनी, वड्डियां दी छोटियां दी सारा नहीं सहमति होंदी हैगी, पर किसान आ पिंड च ही रहिंदे ने, तुसीं आ के मिल भी सकदे हो, अज इन्हां दा प्रोग्राम सीगा असीं आए होए आ, ते थोड़ी इंटरव्यू लंबी चल रही है इसे करके विच दी मैं रोकिया हैगा, ते
तेले दे बारे तुसी गल कर रहे सीगे कि तेले मार स्प्रेहां ते गिनती नहीं हैगी मार्केट दे विच। हां जी हां जी, 100 ग्राम पाओ फार्मर 150 ग्राम पा देंदा है। हां, तो तेले का जो फायदा है ये है भी, एक तो तेला फसल की जो अनावश्यक बढ़वार हुई होती है उसको ग्रोथ को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है तो पौधे का जो ताकत ऊपर जाने में लगती है वो सारी फल में लग जाती है। ठीक है, तो हमने जो प्रैक्टिकल किया है, हमारे किसानों ने जो प्रैक्टिकल किया है वो है भाई, नरमे की फसल में मतलब जितना ज़्यादा तेला होगा बढ़वार आपकी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, मैं आपको उन किसानों से मिलवाऊँ आज। ओके भाई, उसको ग्रोथ को रेगुलेट कर दिया। हाँ। तो उसकी जो ताकत लगनी थी वो टिंडे में लग गई, और हमने ये प्रैक्टिकल किया है 1.5 ग्राम तक हमने जो तेले का जो जिस पत्ते को तेला खा गया उसके टिंडे का साइज बड़ा होता है, और उसमें 1.5 ग्राम तक उसमें रुई ज्यादा निकलती है मुकाबले उसके जिसमें तेला मार दिया। 1.5 ग्राम का तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब ओवर साइज हो जाता है। बीघे की बात करें, 6 ग्राम तक हमने मतलब उसको, एक बीघे की हम मोटा मोटी बात करें तो 5000 प्लांट ही मान लें, एक प्लांट के ऊपर हम 50 टिंडे ही मान लें, 50 ग्राम नरमा एक प्लांट में बढ़ रहा है, तो 5000 प्लांट में अगर 50 ग्राम से गुना करेंगे 2 क्विंटल तो वैसे ही बढ़ गया फिर ये। हाँ, बढ़ जाता है, हमने मतलब लिया हुआ है 17.5 क्विंटल तक हमने 773 नरमे का मतलब उत्पादन लिया है हमने। तो दूसरा काम ये होता है तेले का, जैसे अब ग्रोथ रेगुलेट हो गई उसका ये फायदा है, जैसे टेणी दूसरी टेणी में जाके नहीं फंसेगी, उस वो इधर वाली इधर की खुराक नहीं खींचेगी, इधर वाली इधर की खुराक नहीं खींचेगी। जैसे खुराक अपने मेनली वातावरण से पूरी करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पूरी करनी होती है। ठीक है, तो एक टेणी दूसरी टेणी में जाके फंस जाएगी तो उसका नीचे वो उसके दूसरी टेणी आ जाए वो अपना खुराक नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो ये तेले के मतलब 2-3 ये फायदे हैं, रुई ज़्यादा निकलती है बूढ़े में से, 6 ग्राम का हमने कैलकुलेट किया हुआ है शुरुआती जो मतलब बूढ़ा। मैंने भी एक आर्टिकल में पढ़ा है कि जिस फसल में खास करके नरमे में कीट ज़्यादा है तो नरमे के टिंडे में ब्रेमों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पॉलन ट्यूब में एक एक ब्रेमे की पॉलिनेशन हुई है, तो जितने जितने एक फुट्टी में वो सक्सेस हो गए हैं तो एक फार्मर के टिंडे में बड़े में 35 आ रहे हैं, दूसरे के फार्मर के 15 आ रहे हैं, तो वेट तो उसमें डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल डिफरेंस रहेगा जी, वो पोलिनेशन क्रिया में अब जो 22 से लेके और 32 36 तक टिंडे होते हैं, तो बिनोड़े होते हैं एक बूढ़े में, तो जितना पोलिनेशन हो गया वो ऊपर के जो सिस्टम से होते हैं कीट, अगर मतलब उस पर यहाँ नरपुंख केसर से उसको स्त्री केसर से जितने मतलब उसके अंदर गए उतने मतलब वो बड़े वो सक्सेस हो जाएंगे जी। हाँ, अब हम बात करें कि ये रस चूस कीड़े वाला काम निपट गया। हाँ, ये वाइट फ्लाई पे बाकी है, जो मैन जो कीट है वाइट फ्लाई, इसका लोग ज़्यादा इसे डरते हैं, तेले से लोग कम डरते हैं। तो वाइट फ्लाई का ऐसा सिस्टम है, वाइट फ्लाई जैसे वो रस छोड़ेगा पत्ता, और उमस भरा मौसम में बरसात आने रही हवा में नमी है, तो उस ये सबसे बढ़िया जो है उस व्हाइट फ्लाई के लिए वातावरण है। हाँ, वो पौधे का सिग्नल है कीट कौन सा आना है, वो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो पौधे का ही सिग्नल है और मौसम का है जो सिस्टम उसके हिसाब से ही आएंगे। तो व्हाइट फ्लाई 2015 में व्हाइट फ्लाई का मतलब ज़्यादा बड़ा प्रकोप हुआ ऑल ओवर पंजाब हरियाणा में, और 2020 में ज़्यादा हुआ, उसके दौरान जो बीच में लास्ट टाइम भी काफ़ी था, काफ़ी वायरस आ गया था। हाँ, लास्ट टाइम भी काफ़ी था। तो ऐसा है, वाइट फ्लाई जब आती है शुरू में तो मतलब थोड़ी कीट होते हैं, और उनको डर के या दूसरों के कहने पे या कोई मतलब किसान अपनी समझ से वो करता क्या है, वो करता है कि वाइट फ्लाई को अपन ने अब की बार एडवांस कंट्रोल करना है। अर्ली शुरू कर देता है हर किसान का ये अनुभव है। जैसे अभी पिछली बार, हाँ, अभी गुलाबी सुंडी के ऊपर चल रहा है। हाँ, ऊपर चल रहा है जी, सही है। एक बार उसने सिस्टम गड़बड़ा दिया तो बाद में वो ठीक नहीं होता। हाँ जी, तो ये ऐसा होता है भाई, हर बार किसान ये सोचता है, जैसे पिछली बार ही वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई उसे, तो अगली बार ये अब सोचता है। मैं काफ़ी किसानों से मैं मिला हूँ, वो कहता है भाई अब की बार ना मतलब पिछले साल से 10 दिन पहले शुरू करेंगे, अब की बार कोई कोई दिखेगा नहीं तभी शुरू कर देंगे। ज़्यादा नरमा निकालना है ये सिस्टम उल्ट हो जाता है। वाइट फ्लाई का सिस्टम क्या है जी,
उसका जीवन काल बेहतर दिन का कहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है भी जी, ये उसका जीवन काल बेहतर दिन का है और बेहतर दिन के अंदर ये नर मैटिंग से दो बार 125 अंडे इसने देने हैं 125 अपनी फसल पे। ठीक है, इतने में एक वाइट फ्लाई का जीवन पूरा हो जाता है। जैसे ही मतलब ये पूछते हैं किसानों से भी, आपने पहला जब उसमें स्प्रे अप्लाई किया था उस टाइम और दूसरा स्प्रे अप्लाई किया था उसके बीच में कितने कीट बढ़े, तो वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा हो गए। उसका कारण ये है कि जब आप पहला डाल देते हैं हर जीव इस सृष्टि पे वंश वृद्धि के लिए मतलब लालायित है, वंश वृद्धि उसको चाहिए। जैसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, आप भी मतलब क्या कुछ नहीं करते अपनी वंश वृद्धि के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं। तो दूसरा कीट भी है, जे पशु है, जे पक्षी है, चाहे दूसरा है, चाहे अपनी फसल है। जैसे क्या होता है कि ज़्यादा सूखा होता है तो नरमे की फसल पे आप ले लेते हैं, फूल एकदम से उठा लेती है, ओड़ का फल लग जाता है, ओड़ का फल लग जाता है, तो उसको लगता है अभी अब तुम मरने वाला है, अपनी जनरेशन को लगता है मरने वाला है, तो अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ बीज दे के जा, तो वो क्या करता है कि जल्दी से मतलब वो अपना फल उठा लेता है। ठीक है, हर जीव में यही सिस्टम होता है एक वंश वृद्धि के लिए। तो ये जो सफ़ेद मक्खी है तो क्या करती है, जब पहला उसको पेस्टिसाइड अप्लाई होता है तो उसको लगता है अभी अब तो तेरी जो जो को वंश है उसको खतरा हो गया है। ठीक है, तो इस कीट में एक ऐसी क्षमता है ये अपना जीवन काल 17 से 21 दिन का सेट कर लेती है, कम कर लेती है, बिल्कुल ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा अंडे देती है, ज़्यादा अंडे देती है। और उस दौरान ये बिना मैटिंग ये 300 अंडे मतलब दे देती है और अंडे दो बारी देती है। ओके ठीक है, बिना मैटिंग, और बिना मैटिंग जो देती है डॉक्टर साहब ने मतलब ऐसा बताया भाई बिना मैटिंग जो देती है उसमें नर नहीं होता, सारी मादा ही मादा होती है। अच्छा ऐसा भी है। ठीक है, फिर उन्होंने फिर 17 दिन बाद वही काम करना है, फिर 17 दिन बाद वही काम करना है, फिर 17 दिन बाद आप कितना मार सकते हैं जी। किसी किसान का मतलब ये अनुभव नहीं है भी हमने ये जहर डाल के और हमने वाइट फ्लाई अपने नरमे से ख़त्म कर दी। किसी से आप मिले हो तो मेरे को भी बताना, अभी जहर डाल के अपने वो जो भी कीट है उसको बिल्कुल हाथ खड़े हो जाते हैं फार्मर के। हाँ, फार्मर तो पांच स्प्रे कर देता है और फिर भी कंट्रोल नहीं। देखिए ये सिस्टम रहता है, जितनी बार वो डालेगा उतनी बार वो मतलब 300 अंडे देगी, सारी तो मार नहीं सकता, बच जाती है उसमें से काफ़ी, वो तो 300 अंडे फिर देता है, फिर 300 से उसके कैलकुलेट करते हैं ना उसका, जब अपन मतलब लेके चलते हैं ना 15 दिन का तो कितना भी बड़ा बोर्ड हो उस पे जीरो मतलब कितना भी बड़ा नहीं बोर्ड नहीं आएगी। बिल्कुल, तो 15 दिन का अपन कैलकुलेट करते हैं ना बोर्ड, वो तो एक एकड़ में अगर एक प्लांट हो तभी भी नहीं आएगा। हाँ, तभी भी नहीं आएगा। तो ऐसा है, साथ में वाइट फ्लाई का जो ETL है वो 6 है। ओके हाँ जी, और हमने 8 तक भी मतलब इसको सेट किया हुआ है। ओके भी 8 अगर प्रति पत्ता आपके है नरमे में आ रहा है एवरेज निकाल ली हमने, एवरेज निकाल ली। हाँ। तो भी आपको घबराने की बिल्कुल नहीं जरूरत है क्योंकि मांसाहारी कीट उनको खा के और उनकी संख्या आगे चलो खुदा ना खासा कोई ऐसा मौसम अच्छा रह जाता है इन कीटों के लिए। हाँ जी, ये रस चूस कीड़े अपनी मात्रा अपनी तादाद को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, तो हमको क्या फिर करना पड़ता है? नहीं हम वैसे मारना तो है नहीं ऐसा क्या कभी मतलब हमारे साथ 2015 से आज 2023 है तो इन 7-8 साल में हमारे साथ ऐसा मतलब हुआ नहीं कभी। ओके, ऐसा कभी नहीं हुआ कीट ETL से ऊपर चला जाता है। आप फिर खुराक बढ़ा देते हैं हफ्ते भर के लिए? हाँ, खुराक तो वो जैसे आपने पहले डिस्कस की दलाल गोल वो तो कंटिन्यूस में चलता ही रहता है। हाँ, मतलब वही अगर प्लांट की वो खुराक चोरी करेगा तो उसको करने दो, आप खुराक बढ़ा दो, आप ऊपर से मतलब इसको खुराक बढ़ा दो तो वो अपने मेंटेन नहीं थोड़ा मतलब मैंने भी जो प्लांट देखे हैं पिछले 2-3 साल से। हाँ जी, तो मैं भी सारी फसलों के ऊपर काम नहीं कर सकता, मैं कॉटन को अच्छे से देखता हूँ और पैडी को देखता हूँ, गेहूं को देखता हूँ, सरसों को देखता हूँ। तो ये वाला जो सिस्टम है पेस्टिसाइड फ्री वाला, हाँ जी, अगर इसमें उत्पादन आता है फार्मर की मेहनत बढ़ती है तो कर लेना चाहिए, आज के समय की ये जरूरत बन चुका है, बिल्कुल कर लेना। लेकिन समस्या ये है कि जो अच्छा दिखता नहीं है ना फार्मर। हाँ। को डेकोरेटेड प्लांट चाहिए, खुशी वाला, अच्छे रंग वाला,
ये इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें तो गंदा गंदा नरमा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गंदे गंदे वाला अच्छा। नरमा उसको रात को सोने नहीं देगा। नहीं, यही होता है उसको सारा ना, ये सारा सिस्टम जो आप सही कह रहे हैं वो नींद से ही जुड़ा होता है। उसको मतलब उसकी मानसिक स्थिति इसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं है अभी भी। वो अपने प्लांट का टेढ़ा अभिंगा पत्ता वो मतलब देखे, मतलब एक पत्ता जैसे आप हाथ में लेते हैं वो टूट जाए पत्ता, उसको ऐसा उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये उसको सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई किसान मतलब इसको सीखे बगैर कोई करता है तो वो एक साल तो मतलब वो उसको कर लेता है थोड़े एरिया में, या कुछ एक दिन के लिए तो रुक सकता है 15-10 दिन, फिर वो नहीं रुकेगा बिना सीखे। ये एक पूरा जो ये सिस्टम होता है ये सीख के और फिर करने का जो सिस्टम है। एक साल क्या करे किसान भाई, जो ये क्लासेस लग रही है डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन की, आल हरियाणा में लग रही है, पंजाब में काफ़ी जगह है लग रही है, आपके बठिंडा जिले में शायद मानसा खुर्द कोई गांव है, ओके तलवंडी के पास है। जी जी है, हाँ, तो वहाँ के काफ़ी वीडियो मतलब आते हैं भी, वहाँ किसान ये करते हैं, करते हैं। आपके गाँव में कितने फार्मर करते हैं? हमारा तो मोस्टली गांव करता है, सारा गांव करता है, सारा लगभग 1% को छोड़ के सारा करता है। मतलब चलो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बाहर कर सकते हैं लोग, गांव में नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम होती है कि आप अपने गांव में सफल नहीं है तो। हाँ। ज्यादा एरिया यहां कॉटन का है? हाँ, कॉटन का एरिया जी, कॉटन। तो यहाँ पे मतलब फिर हर तरह का फार्मर होगा, वो 8 कनाल में 5 क्विंटल वाला भी होगा, 10 क्विंटल वाला भी होगा। हाँ, 10 क्विंटल वाला भी होगा, डर निकल चुका है आपका, 12 क्विंटल वाला भी होगा, डर निकल चुका जिसका है। जिस हिसाब से जिनकी जमीन पानी जो है, पानी इसमें मैन होता है, जिसके पास बढ़िया पानी है और नहर का पानी भी उसके ठीक है, ट्यूबवेल का भी बढ़िया है और मिट्टी अच्छी है। हाँ, मिट्टी अच्छी है, तो उसमें 10-12 क्विंटल उत्पादन पिछले साल भी आया है जी, लास्ट टाइम भी आया, लास्ट टाइम भी आया। ओके, लास्ट टाइम तो बहुत से लोगों के नरमे वायरस ने खराब कर दिए। कीट के रहते हुए भी अपन नरमे का उत्पादन ले सकते हैं, अपने नरमे में जो कीट है जो मर्जी खाए जो मर्जी पिए उत्पादन अपना आ जाएगा। अब सबसे खतरनाक कीट जो है, जो हमारे मेन फ्रूट को डैमेज करता है, टिंडे को करता है, और टिंडे में भी अंदर वो जाके ब्लेवे को ख़त्म करता है जी, तो उसके लिए आपके इस ज्ञान में क्या छुपा हुआ है? देखो, पिछले साल इसी टाइम मतलब जो अब जो चल रही है गुलाबी सुंडी, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत चल रही है, ये फेसबुक पे बहुत चल रही है। हाँ। और अपन ये नहीं कहते भी नरमे में है ही नहीं। हाँ। ये भी नहीं कहते, पिछली साल भी यही कहानी थी जी गुलाबी सुंडी की। अगर लास्ट टाइम गुलाबी सुंडी के दौर में किसी का 10 क्विंटल नरमा आया है। हाँ। और 8,000 उसने बेच दिया है, 80,000 उसको, तो हम बोल नहीं सकते क्वार्टर में कुछ बचता नहीं है। नहीं, सही है जी। तो उसका तो खर्चा भी नॉर्मल से कम होगा आपके वाले का तो बिल्कुल कम है। तो अगर आज के समय गुलाबी सुंडी के दौर में पूरे चक्कर में से अच्छा उत्पादन लेना है तो गुलाबी सुंडी को कैसे, किस पद्धति पे काम करके कंट्रोल किया जाए? देखो, आपने बहुत संयम से काम लेना है, और पिछली साल की मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा भाई अपने को मतलब अपने गलती कहाँ की है। ठीक है भाई, फार्मर गलती कहाँ करता है? वो फार्मर अपनी गलती मानता नहीं है जी। नहीं, ना माने बस देखो, अपना किसी को काम मनाना थोड़ी है जी। ठीक है, आप किसी को नहीं मनाते जी। ठीक है, आप अपनी जो बात, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आज आप शेयर करेंगे। कोई किसान हो सकता है जैसे अपने को पता नहीं कौन किसान इसको मतलब नज़दीक से देख रहा है जी, है कि नहीं भी, कौन किसान इसको मतलब एडोप्ट करना चाहता है सिस्टम को, तो अपने को वैसे मालूम नहीं। आपके थ्रू ये मैसेज किसानों तक जाएगा, और जो किसान एडोप्ट करेगा तो उसके तो फोन वगैरह भी आएंगे, सिस्टम भी ढंग से पूछेगा, वो क्लासेस वगैरह में जाएगा। तो अपन ऑल ओवर ऐसा नहीं कह सकते भी किसान मानते नहीं है, ऑल ओवर अपन ऐसे नहीं कह सकते, कुछ किसान है जो नहीं मानते हैं, ना माने जो ना माने। पिछले साल क्या हुआ था, इसी टाइम यही हवा थी जो गुलाबी सुंडी की थी। हाँ, लास्ट टाइम भी 2 फुट के नरमे बहुत सी सुंडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपा ने क्या किया, अपा ने गुलाबी सुंडी के लिए नरमे पे जोर लगाना शुरू कर दिया इसी टाइम। ओके, जुलाई में ही जी शुरू कर दिया, तो मतलब व्हाइट फ्लाई का अटैक था, और गुलाबी सुंडी आने के पहले व्हाइट फ्लाई नरमे को खा गई। ये बात मतलब सारी ऑल ओवर सभी का एक्सपीरियंस है पिछले साल का ये। मतलब गुलाबी सुंडी का तो नंबर ही नहीं पड़ने दिया, कॉटन की फसल को तो वो व्हाइट फ्लाई खा गई, वायरस बन गया, वायरस भी बन गया। और जैसे अपने
सिंथेटिक पे जोर ज़्यादा दिया। हाँ जी ठीक है। और वाइट फ्लाई का टाइम था तो वाइट फ्लाई वो उसे ज़्यादा बढ़ती गई, किसान से कंट्रोल नहीं हुई और गुलाबी सुंडी आने के पहले ही वो फसल जो है मर गई। गुलाबी सुंडी किसके लिए अपन किया था इलाज? गुलाबी सुंडी के लिए। चले तो गुलाबी सुंडी के लिए कंट्रोल वाइट फ्लाई नहीं हुई तो नरमे की फसल चौपट हो गई। इसमें गुलाबी सुंडी का ऐसा है भाई, अगर ये मतलब कर सकती है एक दो साल, मान लेते हैं अभी भी अपना कर भी सकती है, तो पेस्टिसाइड में इसका कोई कंट्रोल है नहीं। किसी भी पेस्टिसाइड में गुलाबी सुंडी का कोई कंट्रोल नहीं है। कीट की जो चारों प्रक्रिया है उस पे पेस्टिसाइड नहीं कंट्रोल करता। चाहे आप सिस्टम में जाओ, चाहे आप कॉन्टैक्ट में जाओ, चाहे किसी भी बायो में चले जाओ, चाहे बायो में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ, आप उसका मतलब इसको मार के नहीं खत्म कर सकते। वैसे तो किसी कीट को मार के आप खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारी पावर ही नहीं है, हमारी पावर ही नहीं है। ठीक है, गुलाबी सुंडी का ऐसे है जो मतलब उसका लार्वा होता है या सुंडी जो होती है वो फूल के अंदर होती है और उसके बाद वो टिंडे में चली जाती है, उसके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड प्रभावी नहीं होता। तो उसके आगे उसको मार के करेंगे क्या जो टिंडे में चली गई? हाँ टिंडे में चली गई, उसको क्या मारेंगे उसको मारने क्या फायदा? पिछली साल का मैं आपको बताऊँ, गुलाबी सुंडी का हमारा एक मित्र है और बड़ा जुनूनी किसान है, डाणी मोहब्बतपुर का, सुनील वेनीवाल नाम से जी। ठीक है, वो हमारे पास 2020 में हमारा खेत देखने आया, 2021 में पूरी जितनी क्लासेज वो लगती है उसने लगा ली। ठीक है, पूरा उसने मतलब जितना हम उसको दे सकते थे, जितना वो ले सकता था उतना लेके, फिर अपने मतलब सीखने वाले को तो सिखाने का भी मजा आता मजा आता है। उसने प्रैक्टिकल किया अपने खेत में पिछले साल, उसने 4.5-5 फुट पे अपना नरमा बोया, बिरला बोया, उसके बाद समझ में आ गई थी भी आप अगर बिरला बोएंगे तो अपने खेत में चाहे कोई भी कीट आए अपना खेत का नुकसान नहीं होगा और उत्पादन आ जाएगा। तो एक वो उसने वहाँ डाणी मोहब्बतपुर क्लासेस शुरू कर दी, बड़ा मतलब हिम्मत वाला किसान है और बड़ी इस पर मेहनत बड़ी कर रहा है वो। हमसे जो वो कर रहा है ना वो काम तो हमसे हुआ ही नहीं अभी जी, तो, जी, अब जी। नहीं हो रहा। हर आदमी की एनर्जी अलग तरीके की होती है। वो व्हाट्सएप ग्रुप उसने मतलब काफ़ी मेरे को फ़ोन कर रहा था एक दिन भी, हमने 17 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उस पर हमारा डेली की वो वर्किंग होती है, मतलब बहुत टाइम कहता है। तो उसने पिछले साल के एक है दो क्लासेज में वहाँ मैं भी लगा के आया था, तो एक जो पहली क्लास लगाई थी वो तो छोटा था नरमा, दूसरी जो क्लास लगाई थी तो हमने उसके नरमे में एक चीज़ देखी, वो कह रहा है भनीराम जी मतलब टिंडे में सुराख बना हुआ है, मतलब किसी पौधे के 5 टिंडे में, किसी के लास्ट टाइम था जब नरमा खिलना थोड़ा शुरू हुआ था तो किसी के टिंडे में, पौधे के 4 टिंडों में सुराख है किसी के, और हम देखें तो वहाँ मतलब वो क्या है वो उसमें गुलाबी सुंडी मिल नहीं रही। उसका कारण ये है भाई, वो गुलाबी सुंडी तो उस कॉटन में भी आई थी, ओके ऐसा नहीं आई नहीं थी, हमको देखने पर गुलाबी सुंडी वहाँ पर नहीं मिली, उस टाइम फ्लावरिंग कम थी और टिंडे ज़्यादा थे, थोड़े खिल रहे थे, तो सुराख हमने देखे, सुराख को जब हमने देखा तो एक जो उसकी फुट्टी होती है वो खाई हुई थी, 3 सेफ थी उसमें, या जो 5 का है उसमें एक खाई हुई थी, 4 सेफ थी। हाँ, वो 50 में से 2 टिंडे को ज्यादा प्रॉब्लम करती है इस नरमे, इस तरह के नरमे पे जो ज्यादा डेकोरेटिव प्लांट होता है उसमें ज्यादा मात्रा में, उसमें ज्यादा मात्रा में होती है। और खाद खुराक हम 50 दिन के बाद वो शुरू में दे देते हैं, उसके बाद वैसे बंद कर देते हैं, ऊपर से दलाल गोड़ का जो है स्प्रे में जाता है, वो स्प्रे में आप फॉलियर ज्यादा देते हैं जी। तो हमने देखा किसी पौधे के 5 में, किसी के 4 में, किसी के 6 में आई हुई गुलाबी सुंडी, और वो फुराक का मतलब ऐसा होता है भी उसमें गुलाबी सुंडी टिंडे में पैर गई, आ गई, आने के बाद वो अपना जीवन चक्र वहीं पूरा करती है, प्यूपेशन अवस्था जो अपनी है वहीं उसमें पूरी कर ली उसने। ठीक है, और उसके बाद जो है जो प्यूपे में जो प्रोड निकलता है उसने वो सुराख किया और वहाँ से उठ गया, तो टिंडे में सुराख सुराख दिखाई दिया हमको ढूंढने पे, हम 10 आदमी थे, हमको ढूंढने पे गुलाबी सुंडी नहीं मिली और 8 क्विंटल का उत्पादन उस नरमे का जब आया। 8 क्विंटल नरमा हो गया, सुंडी आई या नहीं हमको ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारा तो 8 क्विंटल का मकसद था, मतलब 8 क्विंटल वो नरमे का उत्पादन उसने लिया। और एक बार को तो जैसे देखो नया किसान उड़ रही जाता है, एक बार उसने फोन किया यहाँ जो हम क्लास लगा के, तो उससे 10 दिन पहले के बनराम जी मतलब टिंडे में सुराख दिख रहे हैं और एक पौधे पे दो तीन टिंडों के सुराख दिख रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी अब की बार खाएगी गुलाबी सुंडी। तो वो
देखियो जिसके समझ में नहीं आया कोई सिस्टम तो वो तो सोचेगा ही उल्टू भी। जैसे देखो डर हर किसान को होता है, उत्पादन आज हर किसी को चाहिए, अलग अलग अपने जो घर का जो अलग अलग सिस्टम होता है, किसी को शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ करना है, तो किसान डरता है। तो उसने फ़ोन किया कि मतलब दो तीन टेंडों में सुराख आ रही है। मैंने बोला आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हालांकि गुलाबी सुंडी पे हमारा वो पहला साल था, पर हमने उस पर फोकस किया, अपने ऊपर जो वो है जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से ऊपर हो गया, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे को मतलब सही सुजेशन किया। तो सिस्टम हमारा पिछले साल भी गुलाबी सुंडी थी तो भी मतलब उत्पादन बढ़िया रह गया। मतलब आपको गुलाबी सुंडी से डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं डरता, और किसान को डरना भी नहीं चाहिए, डरेगा। और लोग सोच रहे हैं कि धरना वगैरह लगाएंगे, नरमा नहीं हुआ तो तो आप धरने नहीं लगाते? नहीं, मैं धरने धरने में समय नहीं लगाते, देखो टाइम ही नहीं मिलता जी। आप खेत में धरना लगाते हो? हाँ, खेत में धरना लगाते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, कोई किसान है आप हमारे जो 50 किलोमीटर का एरिया है वैसे हम कवर करते हैं, कोई पेट्रोल वगैरह उनसे नहीं लेते। किसान को मतलब हर एरिया जो अगस्त का महीना है उसमें हम ज़्यादा मैं खेत में काम नहीं कर पाता, कभी किसान का किसी का फील्ड करना है, कभी किसी का, कोई नया किसान है या कोई एक साल पुराना भी है तो उसको क्या काम करते हैं हम, उसको कहते हैं भी आपके अगर 20 एकड़ है तो एक एकड़ अपना ये अपने अपने हिसाब से रखो, और फिर भी उसमें आपको डर लगे तो फ़ोन कर लेना, एक दिन आपका विजिट कर जाएंगे, आपको थोड़ा और इसके बारे मैंने भी देखा है, मैंने काफ़ी आपके लेक्चर सुने हैं, और भी काफ़ी लोग जो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की पद्धति को फैलाते हैं उनके लेक्चर सुने हैं। हाँ जी, डरे हुए फार्मर को आप हौसला ही देते हो, काम तो कीटों ने वैसे ही कर देना होता है। हाँ, काम तो देखो वैसे ही होता है, जैसे हम उसको रलाव बोलते हैं, रलाव आपको उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, रलाव का मतलब ये तो होना ही था। हाँ, ठीक है, देखो किसान को फायदा तो होना ही है। हाँ, ये तो प्राकृतिक काम है जी। ठीक है, अगर उसके भाग्य में लिखा है तो मतलब वो तो होगा ही ना अपना। हाँ, उसमें मतलब क्या है कि अपना उसमें ज़्यादा उसमें क्या कर दिया, उसको समझाते हैं, इसको मतलब बताते हैं ये बात, अगर वो सही से समझ गया तो वो इसको अडॉप्ट कर लेगा। और एक हमारी जो खास बात रही है वो मैं बताता हूँ, अगर कोई किसान मतलब लगातार एक साल तक क्लासेज कंटिन्यू कर जाता है तो वो किसान मतलब किसी के बहकावे में नहीं आता, और वो किसान अपने डर से वो निजात पा लेता है, और अपने खेत में जो प्रैक्टिकल करता है बहुत बढ़िया सही तरीके से करता है। और इसकी जो खास बात है वो किसान जो एक बार इस सिस्टम को मतलब ढंग से अपना गया वो दोबारा पेस्टिसाइड की तरफ मुड़ता नहीं है। ठीक है जी, अभी तक एक भी किसान ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं आया जिसने एक या दो साल अपने कॉटन की फसल सही सीख के बढ़िया तरीके से कर ली और वो अब तो पेस्टिसाइड कर रहा है। ठीक है, बढ़िया बात। देखो जो कॉटन में आप नकली सुंदरता बोल सकते हो, हाँ जी, कॉटन की डेकोरेशन कर ली हमने, किसी तरीके से कर ली, किसी हार्मोन से कर ली, ग्रोथ प्रमोटर से कर ली, किसी खुराकी तत्व से कर ली, या किसी पेस्टिसाइड ने उसको अच्छा बना दिया जी। ऐसे प्लांट जहां हमने यूरिया ज़्यादा डाल दिया, जहां हमने कुछ ऐसा कर दिया, प्लांट को बिरला नहीं किया, उसके ऊपर बहुत सी अच्छी हरी भरमारता चल रही है, कुछ भी चल रहा है जी, उसके ऊपर कीट भी ज़्यादा आएंगे और उसके ऊपर बीमारियाँ भी ज़्यादा आ सकती हैं जी। तो कीटों के बारे में हमने लंबी बात कर ली, अब बीमारियों में उखेड़ा, विल्टिंग, ब्लास्ट, ये सब कुछ होता है जी, बिल्कुल। उसके लिए फार्मर फंगीसाइड यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं? हम जो है वहाँ केमिकल फंगीसाइड में नहीं जाते, हम वहाँ ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं, वहाँ हम सुडोमनास यूज़ करते हैं, वहाँ हम माइकोराइजा यूज़ करते हैं, ये जो फंगल बैक्टीरिया है वो यूज़ करते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है भाई जो केमिकल में जो फंगीसाइड आता है वो 5 या 10 दिन के लिए काम करता है, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो शॉर्ट पीरियड होती है, इतना ज़्यादा वो लंबा नहीं चल सकता। और जहाँ मतलब हम अपनी क्लासेज में भी ये रिकमेंड करते हैं, उखेड़ा एक मेन समस्या है, उखेड़ा किस वजह से आता है वो अलग अलग वजह है, उसमें फंगल डिजीज भी हो सकता है, उसमें नेमाटोड की भी कमजोर खेत भी हो सकता है, कमजोर खेत भी हो सकता है, और दोबारा कॉटन लग रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी प्रॉब्लम हो रही है। और गलत वैरायटी का चयन कर लिया, अगर अच्छे खेत में कमजोर खेत की किस्म लगा दी, कमजोर में अच्छे खेत की किस्म लगा दी, तभी भी बिल्कुल तो भी हो रहा है। इसको किसान पहले से ठीक समझे, अगर फंगल डिजीज है तो उसमें ट्राइकोडर्मा अप्लाई करे, ये जुलाई का महीना जो है
ये बहुत बढ़िया ट्राइकोडर्मा डालने का बहुत बढ़िया मतलब ये समय है। उसमें 2 लीटर पर एकड़ मल्टीप्लाई करके अगर किसान वो डालता है तो 80% उसको बेनिफिट इसी साल हो जाता है। ये कहते हैं ना भी मतलब एक साल में इसका पूरा नहीं फायदा होता, तो 80% वो देखे नरमे की जड़ अपनी उखाड़ के देखे, अगर उसके ज़्यादा जो मोस्टली विल्ट की जो समस्या आती है वो नीमाटोड के कारण आती है। नीमाटोड उसमें ज़्यादा होता है तो उसमें नीमाटोड का कोई प्रोडक्ट मतलब वो डाले, पेसिलोमाइसिस वर्टिसिलियम बायो में है, पेसिलोमाइसिस जो आता है वर्टिसिलियम एक उसकी जो है प्रजाति वो आती है, और उस पर सरकार भी ये जो अपना उस पर जोर दे रही है। मैंने देखा था राजस्थान में काफ़ी मतलब स्टेट लेवल पर ये काम हो रहा है, तो वो उसका एक किसान गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक है सिस्टम, 100 रुपये में वो कुछ नीम का तेल भी देते हैं किसान को, कुछ ये वर्टिसिलियम भी देते हैं और कुछ एक ट्राइकोडर्मा भी वो मतलब उसमें देते हैं, तो वो सिस्टम उनका बना। चलो जी, बहुत लंबी इंटरव्यू की हमने, एक लास्ट में हम एक 5 मिनट का समय लेंगे आपका। जी, पेस्टिसाइड को तो मान लिया हमने, उसके बिना काम चलेगा, अच्छा उत्पादन आएगा जी। खुराकी तत्व में NPK की वर्तों कितनी वाजिब है? 13045 है, 05234 है, 0050 है, कोई अन्य और है? इसमें खुराक प्लांट की देनी है हमने? बिल्कुल, क्या वो देनी चाहिए? जमीन में, स्प्रे में? स्प्रे में ऐसा है भी अपा NPK 3 तत्व तो पहले से भी मतलब अपा पूर्ति अपा कर रहे हैं, DAP अपन दे रहे हैं, फॉस्फोरस अपनी पूर्ति हो रही है, और यूरिया अपन दे रहे हैं, नाइट्रोजन अपनी पूरी हो रही है, पोटास अपन दे रहे हैं मतलब पूरी हो रही है, और फोलियर में भी अपन जिंक अपन जमीन में भी दे रहे हैं और फोलियर में दे रही है कि पूर्ति हो रही है। दरअसल कारण क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उस पर किसान का बिल्कुल भी फोकस नहीं है, जैसे मतलब बोरोन है और सल्फर है, ये अपना जो मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो इन पे अपना बिल्कुल भी फोकस नहीं है और कोई किसान उसको मतलब ये देता नहीं है। तो इसके बीच में एक दो अपने को ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है फोलियर में अपने को देना चाहिए सूक्ष्म तत्व पूरे करने के लिए, जैसे मतलब ये हो गया मतलब चाहिए तो आटे में जितना लून है नमक है उतना ही चाहिए मतलब, और उसको भी अगर नहीं डाला तो मतलब अपने को रोटी मतलब स्वाद ही नहीं लगी। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल, तो ज़रूरत भी है उसकी और ज़्यादा उसको मतलब ज़मीन में भी मतलब उतना देने मतलब की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, बढ़िया लेके उत्पादन में आपकी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बढ़ोतरी होगी, हाँ बिल्कुल जी। और दूसरा एक लास्ट सवाल मैं पूछ के आपसे समाप्ति चाहूँगा कि टिंडे का भार जी अच्छा बनाने के लिए पानी का क्या रोल है, पानी को कैसे मैनेजमेंट करें? हमने ऊपर से बहुत कुछ देना है, हमने कीटों को देखना है, हमने प्रूनिंग करनी है, विरला करना है, कई बार फार्मर पानी ज़्यादा लगाते हैं, कई बार लगाते नहीं है, इसका उत्पादन में क्या रोल रहता है? नहीं, पानी का तो अहम रोल है इसमें कॉटन में ठीक है, तो ये दुश्मन भी हो सकता है ना, दुश्मन भी हो सकता है, जो चीज चाहिए हाँ, वो काम करेगी, वो ज्यादा चाहिए तो नुकसान करेगी, तो वो तो नुकसान करेगी, जिसको अपने देखना चाहिए, और ज्यादा हो भी जाती है कुछ एक किसान की मजबूरियां भी होती है, जैसे आज बरसात हो गई और हफ्ते बाद उसकी पानी की बारी है तो उसके लिए कोई स्टोरेज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मतलब फार्मर के पास नहीं होता, तो होता भी है करना, पर अपने को ये सिस्टम है देखना चाहिए। अगर 11 बजे के लगभग अपनी फसल पत्ते मतलब डाल रही है तो उस टाइम अपने को पानी देने की आवश्यकता है, और जैसे 12-1 बजे या 2 बजे के लगभग अपनी फसल अगर थोड़ी मुरझा रही है तो उसमें पानी की नहीं, ऊपर की मतलब टेम्परेचर की ही वो ज़्यादा वो है, उसमें पानी को तो मैनेज करना चाहिए, वैसे ज़्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है और पानी ना लगाए तो भी मतलब नुकसान कर सकता है, और ज़्यादा पानी और ज़्यादा हरा नरमा और ज़्यादा कच्चा रखने की कोशिश में आप मतलब गुलाबी सुंडी काटे का अपने नरमे में बढ़ा भी सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप मैनेज करें तो मतलब इसके लिए कर सकते हैं इसको मैनेज पानी को। तो अगर कोई किसी फार्मर का कोई ग्रुप है, कोई FPO है, कोई पंचायत लेवल पे आपको किसी गांव में बुलाकर इसी तरीके का कोई इवेंट करवाना चाहता है, फार्मर को
बताना चाहता है, कोई सम्मेलन कराना चाहता है, एक घंटे का दो घंटे का, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या खर्चा लेते हैं आप? नहीं आप मैं खर्चे के नाम पे कुछ नहीं लेते आप जी, और बस दिन संडे का होना चाहिए, समय लेते हैं, समय देते बड़ी खुशी होती है मेरे को। मतलब आपने जो प्रश्न पूछा है मतलब दिल से मतलब ये बात निकल रही है कि मैं दिन संडे का होना चाहिए। हाँ। दूर कितने भी हो कुछ भी खर्चा अपन नहीं लेते, ठीक है। जैसे 100-150 किलोमीटर से आगे है। हाँ। तो अगर वो जो हमको गाड़ी लेके उसमें पेट्रोल डलवा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मतलब जैसे मैं देखा भारत भूषण डलवा दे, मैं वो बोलते हैं कि मैं भी आपका, मेरा काम भी आपका, मेरे को घर से ले जाओ और घर पे छोड़ देना, घर पे छोड़ दे। ऐसा बोल देते। नहीं हम वैसा भी नहीं, घर से हम चले जाएंगे। अगर 100 किलोमीटर के दायरे में है तो हम मोटरसाइकिल से मैनेज करते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं लेते, उसमें पेट्रोल भी नहीं डलवाते, ठीक है, ठीक है। अगर यार ज्यादा मतलब लंबा हो जाता है तो मोटरसाइकिल पे सफर फिर इतना मतलब टाइम पे नहीं, आज के समय सेफ नहीं, किसान इकट्ठे हुए होते हैं, जाना भी टाइम पर पड़ता है जी। अगर पेट्रोल वो गाड़ी में डलवा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा उनको। और दिन संडे का होना चाहिए बस। हो सकता है मैं बहुत से क्वेश्चन भूल गया हूँ, जहाँ आपकी जो आज वर्कशॉप है उसको भी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। तो आपने बहुत समय निकाला इसके बारे में, कॉटन के अच्छे मैनेजमेंट के बारे में आपने, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की तकनीक के बारे में फार्मर को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ज़रिए मतलब मेरा जो सिस्टम है, या मेरा नहीं कह सकते, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी की जो मतलब उन्होंने जोत जलाई है वो हर किसान तक, मतलब जो भी आपका जो आपको फॉलो करता है उसके तक पहुंच रही है, जो आगे फॉलो करेंगे उनके तक भी पहुंचेगी। तो मेरी मतलब ये दिली तमन्ना है कि ये बात हर किसान तक पहुंचे और हर किसान अपने जो है बचे, जहर से बचे, और मतलब जहर से बच के अपने परिवार को वो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।